उत्तराखंड के ऋषिकेश जिले में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य जोरों पर है। रेल परियोजना की सुरंग की खुदाई के चलते बिलोगी गांव के कई मकानों में दरारें आ गई हैं। मकानों में दरारें आने के बाद ग्रामीण दहशत में है, उन्होंने विस्थापना की मांग की है। साथ ही RVNL को भी पत्र लिखा है, लेकिन किसी भी अधिकारी ने अब निरीक्षण नहीं किया। गांव में घरों में लगातार आ रही दरारों के कारण ग्रामीण भयभीत हैं। सोमवार को समस्या के निराकरण के लिए बिलोगी गांव में ग्रामीणों की बैठक आयोजित की गई। ग्रामीणों ने इस बात को लेकर नाराजगी थी कि उक्त समस्या के बारे में उन्होंने प्रशासन और रेल परियोजना के अधिकारियों को पत्र लिखकर प्रेषित किया था, मगर अधिकारियों ने जांच की बात तो गांव में आने की जहमत तक नहीं उठाई। ग्रामीणों का कहना था कि उनके गांव के नीचे से हो रहे सुरंग निर्माण में हैवी ब्लास्टिंग के कारण मकान ही नहीं पूरी जमीन हिल रही है, जिसके चलते मकानों में दरारें पड़ती जा रही हैं। लगातार हो रही ब्लास्टिंग से गांव में रहना मुश्किल हो गया है। उन्होंने शासन प्रशासन और रेलवे विकास निगम से गांव को अनियंत्रित नजदीकी भूभाग में पुनर्वासित किए जाने की मांग की है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जब इस बारे में पत्र प्रशासन और RVNL को बीते फरवरी में भेज दिया गया था, तो मौके पर निरीक्षण क्यों नहीं किया गया। उत्तराखंड के केंद्रीय सचिव और स्थानीय निवासी सरदार सिंह पुंडी, पूर्व प्रधान जगमोहन महर, अनिल चौहान आदि ने बताया कि सुरंगों में ब्लास्टिंग से गांव के पानी के प्राकृतिक स्रोत भी सूखते जा रहे हैं। कहा कि वो परियोजना का कतई विरोध नहीं कर रहे, बल्कि उनकी समस्याएं हल की जानी चाहिए। उन्होंने गांव के मकानों पर पड़ी दरारों का सर्वे और जांच कर उचित मुआवजा दिए जाने के साथ ही अनियंत्रित विस्थापन करने की मांग की है। बैठक में सुनीता देवी, चमनलाल भट्ट, सुलोचना रायल, वसुदेव रामस्वरूप, विशंभर प्रसाद सहित अन्य लोग मौजूद रहे।